हे गाइस, वेलकम टू स्टे ब्यूटीफुल। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम मिलके बनाएंगे बैंगन के पकोड़े, क्योंकि बैंगन हमेशा घर में अवेलेबल होते हैं और खाने में बहुत बहुत यम्मी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले हमें लेना है बेसन एक बाउल में। मैंने 1.5 कटोरी लिया है। उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच चावल का आटा डाला है और उसके बाद मैंने 1/2 छोटी चम्मच हल्दी ली है और 1/2 छोटी चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है और मैंने 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ली है और मैंने थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके डाली है 1/2 छोटा चम्मच। और अब हमें धीरे धीरे इसमें पानी डालना है और इसको हमें मिक्स करना है अच्छी तरीके से, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स ना रहे। थोड़ा हमें इसे फेंटना भी है। फेंटने से थोड़े इसमें बबल्स आ जाते हैं और बहुत बहुत लाइट हो जाते हैं जो भी हम बनाते हैं और ऑयली भी नहीं बनते। हमें पानी हमेशा धीरे धीरे डालना है। अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख देना है। अब हमें लेना है बैंगन। अब हमें हम कैसे भी इसको स्लाइस कर सकते हैं, एकदम गोल गोल भी कर सकते हैं या फिर हम इसको आधे आधे करके कट भी कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से किए हैं, आपको जैसा समझ में आए आप वैसे कर सकते हैं। इन पे मैंने चाकू की सहायता से या फिर जिसे हम फॉक कहते हैं, कांटे वाला चम्मच, उसकी सहायता से मैंने इसके ऊपर छेद बना दिए हैं ताकि अंदर से अच्छी तरीके से पक जाए। और मिर्च और मसाला आप अपने हिसाब से इस पर डाल सकते हैं, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसकी कोटिंग ऐसी होनी चाहिए ताकि बैंगन पे अच्छी तरीके से कोट हो जाए। अब हमें तेल लेना है। उसमें मैं ट्राई करके देख रही हूँ कि कितना गर्म हुआ है मेरा तेल। ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमें धीरे धीरे करके सभी पकौड़ों को डाल देना है, बिल्कुल इसी तरीके से। तेल सही से गर्म होना बहुत ज़रूरी है। ठंडा तेल होता है तो पकोड़ों अच्छे भी नहीं बनते और उसके अंदर बहुत तेल भर जाता है। अब हमें इसको बाहर निकाल देना है। हमने इसके अंदर चावल का आटा डाला था, जिसकी वजह से हमारे पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये क्रिस्प तो है ही पर खाने में भी उतने ही यम है, बहुत टेस्टी बनते हैं। इस रेसिपी से आप एक बार ट्राई ज़रूर करें, आपको बहुत पसंद आएंगे। ये देखिए, बहुत अच्छे बनते हैं। आप सभी तरीके के पकोड़े बना सकते हैं। इसी तरीके से आप बैंगन की जगह कोई और सब्ज़ी ले सकते हैं। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, और मेरे चैनल को आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।